आज हम पिज़्ज़ा का एक हेल्दियर वर्जन बनाएंगे विदाउट पिज़्ज़ा बेस के। पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में रेड कैप्सिकम लिया हुआ है और ग्रीन कैप्सिकम लिया है 1 कप। पनीर डालेंगे 1 कप। पनीर के इस तरह से मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे। और स्वीट कॉर्न डालेंगे 1 कप। वेजिटेबल्स आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर मसाले कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ओरिगानो और रेड चिली फ्लेक्स डाला है। नमक डालेंगे और पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे 3 चम्मच। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपको घर पे बनाना हो तो रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। और फिर मायोनीज डालेंगे 2 चम्मच। मायोनीज घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। और सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अभी हम पिज़्ज़ा बेस तो यूज़ नहीं कर रहे, उसके लिए मैंने थेपला लिया हुआ है। फिर थेपले के ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे और इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर जो हमने स्टफिंग रेडी किया था वेजिटेबल्स और पनीर का, वो रख देंगे उस पर। और लास्ट में हम ढेर सारा चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया हुआ है और फिर रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डालेंगे ऊपर से। मैंने ओवन को पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया हुआ है। ओवन प्रीहीट हो जाए फिर उसको 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे पिज़्ज़ा को इस तरह से 180 डिग्री पे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और उसके पीसेस कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको जैन रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।